पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आकाश कुमार पाल का भाजपा कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा जिले के सभी मोर्चे और सभी मंडल अध्यक्षों ने फूलमालाएं पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यालय में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह रही। आयोजित कार्यक्रम में सभी ने पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया। मंच पर बोलते हुए क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन किया है और आज नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत है। आज के बाद से ही आकाश पाल की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आगामी चुनाव में सभी को साथ लेकर चलना और सीट को जीता कर देना उनकी जिम्मेदारी होगी। तो वहीं कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा के अध्यक्ष का दायित्व तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमने मिलकर काम किया है और उम्मीद है कि जिला और महानगर की टीम के साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। तो वहीं कार्यक्रम का आभार व्यक्त करते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आकाश पाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का इस स्वागत के लिए आभार और धन्यवाद। मैं सभी के साथ मिलकर काम करूंगा और भाजपा के लिए काम करूंगा। आज सभी साथियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि सभी को साथ लेकर काम करता रहूंगा। हमारे एसपी मोर्चा के अध्यक्ष से मेरा निवेदन कि अपने सभी मोर्चाओं के साथ क्षेत्रीय संयोजक और मेरे साथ आरएम नरेंद्र मार्कशन जी, पूर्व जिला मंत्री, क्षेत्रीय संयोजक प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ आरण्य चौधरी, हुकुम श्री अजय प्रताप जी, बिलारी से चुनाव लड़े आरण्य जिले में महामंत्री आरण्य श्री कमल प्रजापति जी, मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे परिवार के मुखिया, जिस आप सब लोग जितने भी कार्यकर्ता आप आए सबको मेरा नमस्कार। आपको ये जो पार्टी है हमारी, इसकी यही खूबी है कि जो हम सब कार्यकर्ता जो हमें प्रशिक्षण दिया जाता है वो हमारे लिए बहुत काम आता है और उसी की बदौलत है हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। मुझे ये दायित्व मिला है, पिछली बार भी आप सब लोगों से जो भी था वो हो गया। मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करना आज ज्यादा था बोलने के लिए बोलने के लिए हो जाए कि क्या बोलूं मैं। आप सब लोगों ने हमारा कार्यकाल देखा है, हमारे आपके सहारे जिला बहुत वृद्धियों पर पहुंचा है। आरण्य जिलाध्यक्ष राजपाल चौहान जी ने जितना इस कार्य जिले में काम किया है सब आप लोगों के सहयोग से, मैं विश्वास दिलाता हूँ मंच को। और हाँ, एक बात बोल रहा हूँ, आभार प्रकट करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का, जो यहाँ पे जिलाध्यक्ष रहे हैं, जो जिले को बहुत बारीकी से समझते हैं। आदरणीय संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी का, उन्होंने मुझे इस दायित्व को मुझे उन्होंने दिया है। मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूँगा। मेरी ताकत आप सब देखते हुए कार्यकर्ता हूँ, आपके साथ की मुझे निरंतर जरूरत है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता
हमारा जिस तरीके से काम करता है वो पीड़ा मैंने देखी है, उसका समर्थन उसका समर्पण मैंने देखा है। सारी परेशानियां को दरकिनार करते हुए पार्टी हित में काम करता है और ये हमें सबको पता है कि हमारी पार्टी राष्ट्र हित में काम करती है। राष्ट्र हित से बढ़कर कोई काम नहीं होता, हम सब लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, ये भावना ये धारणा हम लोगों की है। इसलिए हम इतनी जिम्मेदारी से इतने डिवोशन के साथ हम ये काम करते हैं, उसको किस तरीके गति देनी है ये सब आप लोग जानते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।